वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पे कुछ नई न्यूज़ निकल कर आई है, यानी कि बीएड अपडेट रिलेटेड न्यूज़ है, तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे क्या हम 50% है तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। बाकी जो लोग फॉर्म भर लें वो लोग अपनी तैयारी में लगे, इन सब न्यूज़ को बस देखें क्योंकि आपके नॉलेज में होना जरूरी है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम या बीएड हो या एसएससी, एलडीसी, बैंक, यूपीएससी, जो भी पेपर हो, जीके कभी ना कभी खाली नहीं जाते। जीके विद प्रीति चैनल, जो कि हमारा सेकेंड चैनल, लिंक नीचे दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य रहना चाहिए, लेकिन ये किन किन लोगों के लिए है? तो ओनली जनरल लोगों के लिए है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उनको अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आगे सुनिए कि बात है क्या, आखिर पूरी कहानी क्या है। तो बीएड में प्रवेश पात्रता को लेकर सीईटी बीएड टेस्ट में स्टेट नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार ने, पिछले साल अजीत कुमार थे, स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। मान लीजिए बाय द वे आपका नहीं है, तो एमए में आपका 55% होना चाहिए। एमए में आपका 50% से कम है तो एमए में आपका 55% होना चाहिए। बी और बी टेक जो लोग किए हुए हैं उनको तो 55% के साथ ही पास होना चाहिए। 2021 में नामांकन में होने वाली आवेदन प्रक्रिया अभी 5 जून तक है, ये हम सभी को पता है। विलम्ब शुल्क के साथ 8 जून तक जमा होगा। जून के अंक में कैरियर के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स बेहतर विकल्प बताया है नीतीश शीर्षक प्रकाशक खबर में स्थिति स्पष्ट की है। चलिए ये जानते हैं, जनरल अभ्यर्थी को 50% चाहिए, ओबीसी को 48% चाहिए, एससी एसटी को 45% अंक अनिवार्य किया गया है। बीएड में नामांकन के लिए टोटल अभी 1,26,966 फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन ये पेपर वाली डाटा है, एग्जैक्ट डाटा अभी कोई आपको नहीं बता सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर यही डाटा है। वैसे समझिए कि 1.5 लाख के आसपास अभी है, और वो भी कह नहीं सकती मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए और अभी तक इतने आवेदन आए हैं। 5 जून तक बिना लेट फाइन के साथ छात्र क्या है आवेदन कर सकते हैं, 8 जून तक लेट फाइन के साथ आवेदन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ये थी इम्पोर्टेंट छोटी है वीडियो, लेकिन जानकारी आपकी पूरी रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।